मैं जिसको यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, वैसे उनकी उनका नाम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, शब्दों की बंदिशें से बाहर है। आ इन दिनों सोशल मीडिया पे जिनका नाम चारों तरफ छाया हुआ है, जब कोई भी हम आप चाहे व्हाट्सएप देखें, चाहे इंस्टा देखें, किसी भी उसमें देखें, तो एक मुक्ता संयम श्रीवास्तव का जरूर आपको सुनने मिलेगा। स्वयं श्रीवास्तव, मैं मेरी उनसे पहली बार संयम और स्वयं, दरअसल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, स्वयं श्रीवास्तव जी, स्वयं श्रीवास्तव का अपना नाम एक ऐसा लाडला गीतों का राजकुमार जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान पर छाया हुआ है। कवि सम्मेलन में संचालन थोड़ा इसलिए संक्षिप्त कर रहा हूं कि हमें दादा तक पहुंचना है और दादा को मन से सुनना है, वरना प्राण पीने के लिए आप पिछले 6 साल से देख रहे हैं, मैं अकेले ही काफी हूं, है ना। लेकिन प्राण पीने की परंपरा इस मंच पर नहीं रही, दादा भी जानते हैं, तो मैं आपसे बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं गीतों के उस राजकुमार को जो हमारे बीच में दिल्ली से चलकर आए हैं और सागर की खूबसूरत जनता को अपनी कविताओं से आज यहां पर आनंदित करेंगे। आइए स्वयं श्रीवास्तव जोरदार तालियों के साथ। आप सभी को प्रणाम, स्वागत है। सांसद जी आपको भी विशेष प्रणाम कि आप दूसरे संसदीय क्षेत्रों के कवियों को भी सुनते हैं, नहीं तो आमतौर पर हमें जो सांसद और विधायक मिलते हैं वो अपनी अपनी विधानसभा के कवियों को सुन के फिर चले जाते हैं कि मेरा वोटर तो है नहीं, इसको सुन के हम क्या करेंगे। लेकिन खैर, सागर के महामना श्री हर सिंह गौर जी की स्मृतियों को बहुत प्रणाम, बहुत नमन करता हूँ। ये वास्तव में वैसा ही काम है जैसा महामना ने एक एक रुपए का दान लेकर साहित्य का इतना बड़ा विश्वविद्यालय तैयार कर दिया कि आप देश विदेश में कहीं भी जाइए वहीं की वहां पर बीएचयू के स्टूडेंट मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपका सौभाग्य है कि किसी ऐसे बड़े व्यक्ति ने आपके बीच में जन्म लिया। एक बार उनके सम्मान के लिए मैं चाहता हूं कि आप तालियां बजा दें। थोड़ी सी ठंड अधिक है और ये कुर्सियां थोड़ी सी खाली रह गई हैं, लेकिन जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं जानता हूं कि अगर आप इतनी रात में इतनी ठंड में भी कविता सुनने आए हैं तो वास्तव में आप साहित्य की बहुत रसज्ञ श्रोता हैं। और जब मेरी आदर्श से इस प्रोग्राम में आने के लिए पहली बार बात हुई थी तो उसने मुझे कहा था भैया बहुत अकेडमिक लोग रहेंगे, बहुत सुनने वाले लोग रहेंगे, सिद्ध श्रोता रहेंगे, तो मैं उसी उम्मीद के साथ कुछ कुछ पंक्तियां आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। बस निवेदन इतना है कि अगर कोई बात आपके मन तक पहुंच जाए, अगर आप कोई बात ठीक लगे कि हाँ ये बात ठीक ठीक है, तो उसे तालियों के माध्यम से बस इतना सूचित कर दीजिएगा कि आपको बात ठीक लगी। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। मंच पर श्रद्धे हरिओम दादा जहाँ पर उपस्थित हों, सोनरूपा दीदी हों, नुसरत मेहंदी दीदी हों, अजीम शागरी दादा हों, वहाँ पर हम बच्चों का कविता सुनने का काम होना चाहिए और ये होता भी है, लेकिन आज मुझे दादा के साथ निकलना है अभी, उस वजह से मैं बस जो अपने क्रम में हूं मैं आपको कुछ कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, 4 पंक्तियां। पहली 4 पंक्तियां में जिस व्यक्ति के नाम ये पूरी संस्था और ये पूरा कार्यक्रम खड़ा हुआ है, आप इतना बड़ा शिक्षा का आंदोलन खड़ा करते हैं, जब आपने नींव डाली होगी तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें बिल्कुल होती चली गई होंगी। आप कुछ बड़ा करने निकलते हैं, कुछ नया करने निकलते हैं तो कुछ मुश्किलें आती हैं। गौर जी के भी सामने वो मुश्किलें आई होंगी, हम सबके सामने भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें तब करना क्या चाहिए। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या,
हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। लेकिन चलना जरूरी क्यों है? सबसे कंफर्टेबल तो हम लोग अपने घरों में ही होते हैं, हमें अपना घर छोड़ना क्यों पड़ता है? चार पंक्ति और पढ़ता हूँ। लड़कियों से ब्याह और लड़कों से उनके परिवार की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती है, नहीं तो अपना घर सभी को अच्छा लगता है। चार पंक्तियां और सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। हम 15-16 के साल की उम्र में सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ और बड़ा करेंगे। 22-23 साल की उम्र तक आते आते हमें अपने पिता के झुकते हुए कंधे नजर आने लगते हैं, माँ की आंख का ऑपरेशन नजर आने लगता है। हम अपने शौक छोड़कर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसको बाद में अपनी मजबूरी को ही शौक का नाम दे देते हैं। चार पंक्तियां सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत आभार। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी अपना घर छोड़ना पड़ा था, और कन्हैया को भी अपना वृंदावन छोड़ना पड़ा था। सभी को घर छोड़ना पड़ता है। संशय की एक रात किताब है, आप विद्वान जन हमारे सामने उपस्थित हैं। नरेश मेहता की एक किताब है संशय की एक रात, उसमें भगवान रामचंद्र जी जब अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे थे तो उसके ठीक एक रात पहले उन्हें नींद नहीं आई। मुझे लगा कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, अगला कोई बड़ा दिन होता है तो हमें नींद नहीं आती। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बिंदु पर आकर भगवान राम और एक आम व्यक्ति समान हो जाते। चार पंक्ति पढ़ने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, थोड़ी सी खामोशी तोड़िएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमान। कल भोर की भगवान राम की चिंताएं जो थी और जो आम व्यक्ति की चिंता है, एक पंक्ति में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमान। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। हर आदमी एक राम कहानी। हम पे माँ सरस्वती की थोड़ी सी कृपा है कि हम इस माइक पर, इस मंच पर खड़े होकर अपनी बात कह पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कोई यात्रा नहीं है, आपको कोई संघर्ष नहीं है। और मुझे संघर्ष से उपजे हुए लोग बहुत पसंद हैं। मुझे वो चांदी की चम्मच मुंह में पैदा होने वाले लोग थोड़े से कम ठीक लगते हैं, उनके बदले जिनकी शून्य से शिखर तक की यात्रा अपने भीतर उन्होंने खुद तय की हो। चार पंक्ति और पढ़ता हूँ। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है,
जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। अपने खून पसीने से निर्मित हुए लोगों के चेहरे की चमक देखते हुए बनती चार और पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। क्या बात है। आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप किसी बनी बनाई हुई लीक को तोड़ दो। हमारे गांव में कहावत है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाण तीनों चले शायर सिंह सपूत। किसी नौकरी पेशा या अध्यापक के घर के बच्चे को अगर ये मन हो जाए कि वो राजनीति में कुछ बड़ा कर सकता है, किसी सामान्य बिजनेसमैन परिवार के बच्चे को लग जाए कि बड़ा फिल्म स्टार बन सकता है, तो मुझे लगता है कि दांव लगाना चाहिए। इन दिनों मेरा इस बात पर विश्वास बहुत बढ़ा है कि अगर ईश्वर आपके अंदर कोई प्रतिभा दे तो उस प्रतिभा पे दांव लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उस प्रतिभा पे दांव नहीं लगाया जाता तो ईश्वर कई जन्मों के लिए उस बात से नाराज हो जाता है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने जीवन में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, फिर हिंदी साहित्य में भी मेरा थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन मुझे अपने जीवन में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए था कि मैं 30 साल बाद ये सोचूं कि एक बार हिम्मत कर ली होती तो शायद जीवन का डिजाइन कुछ और होता। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। जी स्वागत। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, इस बार आपके हाथ उठे। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। अभी भारतीय विश्व कप हो रहा था, फाइनल में हम हार गए। हार की कसक ऐसी कि हम पचा नहीं पाए, लेकिन 2003 में भी ऑस्ट्रेलिया से हम परास्त हुए थे। एक बात कहता हूँ, 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल जिस वक्त हम हार रहे थे, उसी वक्त झारखंड में एक लंबे बाल वाले लड़के ने अपनी नौकरी रेलवे की छोड़कर बल्ला थामा था, तब हम 2011 में विश्व कप को चूम पाए थे। उसने अपनी हिम्मत पर दांव लगाया था। मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, चार पंक्ति सुनाने का मन हो रहा है, सुनिएगा। स्वागत। आप जब अपनी हिम्मत पर दांव लगाते हो तो कुछ लोगों को वो हिम्मत रास नहीं आती, आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने चार पंक्ति पढ़ता हूँ कि आपको तब करना क्या चाहिए। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। इस ठंड में अपनी ऊर्जा कम मत करिएगा, मैं पूरी ऊर्जा के साथ आपको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता ने कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। आज मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सब मेरे बहुत पसंदीदा लोग हैं। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। किसी की दो पंक्तियां हैं कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। लेकिन जब आप अपने भीतर के इनर फ्लेम को पता कर लेते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। मैं एक गीत तक पहुंचना चाहता हूं, इस बार तालियों की ऊर्जा मुझे दोगुनी करके दीजिएगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली,
सीने में आग सीने की हिम्मत पता चले, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी। यहाँ जितने खुददार लोग अगर जीवन में ऐसे अवसर आए हो और आप अपनी खुददारी को चुना हो तो तालियां मुझे दीजिएगा। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। आप मेरा इन दिनों सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस चल गए हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है, कोई चीज हो जाती है तो प्रमोट कर देता है, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट वो है कि 10 साल से मैं इस कवि सम्मेलन की इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मुझे 9 साल इस बात में लग गए कि अगला ये जो एक साल आया है, लोग कहते हैं कि रातों रात चीजें बदल गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस रातों रात 3-4-6 महीने की जो चमक आप देख रहे हो, उसके पीछे 9-10 साल की यात्रा है। उस यात्रा के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, फिर एक गीत तक पहुंचना चाहता हूँ। स्वागत। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सत्य पराजित हो जाए, थोड़ा परेशान होता लेकिन हारता नहीं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर, ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है पर, कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाएगा, कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाएगा। मेरे हिस्से के अंतिम 5-7 मिनट बचे हैं, एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद हम शब्द पवार दुख तक पहुंचेंगे, इसके सम्मेलन को लेकर चलेंगे। जी स्वागत। गीत की भूमिका कुछ नहीं है, कल साहित्य आज तक में था, मैंने पहली बार उस गीत को पढ़ा था, आज आपके समक्ष हूँ, आपके बेटे। आपको भी जानकर हर्ष होगा कि आदर्श भी परसों था साहित्य आज तक में, और उसने वो मुशारा लूट के आया है, आप उसको भी एक बार बधाई की तालियां दीजिए। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि मैं सफलताओं का गायक नहीं हूँ, मैं सफलता से लेकर सफलता तक की जो यात्रा है उस यात्रा के संघर्ष का गायक हूँ। बस बात इतनी है। सांसद जी 5 मिनट में और आपको चाहता हूँ, आपने जीवन में कुछ नया किया हो, मेरे जो भी काव्य पाठ का एक कंक्लूजन निकल के आता है उसकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि आपने कोई नया व्यापार किया हो, आपने चुनाव लड़ा हो, आपने कोई परीक्षा दी हो, लेकिन आपके हिस्से में असफलता आई हो और आपने उस वक्त तो कुछ नहीं किया हो, लेकिन अपने आप से एक प्रॉमिस किया हो, अपने आप से एक वायदा किया हो कि यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे। बस इस भूमिका के एक छोटा सा गीत सुन लीजिए, फिर उसने अपनी जगह लेता हूं। स्वागत। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, बस निवेदन है कि 5 मिनट कोई उठेगा नहीं, कोई हलचल नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, 5 मिनट बस आपका मन चाहता हूं। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था, निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों। गीत का बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। हम नहीं चाणा के लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, चाणक्य का अपमान किया था मगध के दरबार में, चाणक्य ने शिखा खोल के प्रतिज्ञा ली किसी चरवाहे के लड़के को पकड़ के लाऊंगा और राजा बना दूंगा। हम चाणक्य नहीं हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान पे चोट लगती है तो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करते हैं।
हम नहीं चाणक लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। आपके खराब समय में दुत्कारने वाले लोग समय बदलने पर सबसे पहले सम्मान का दुशाला लेकर प्रस्तुत होते हैं। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे, लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। क्या कहने, लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों में। गीत का दूसरा और अंतिम बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि शून्य से शिखर तक की यात्रा होती कैसी है, अपने भीतर परिवर्तन क्या पढ़ने पड़ते हैं। ज्ञान प्रकाश आकुल लखीमपुर के कवि, उन्होंने कहा कि यदि बार बार तुम अनसुने किए जाते हो, बार बार यदि तुम अनसुने किए जाते हो तो फिर अपने संवादों की शैली बदलो। चार पंक्ति और पढ़ता हूँ इस गीत की भूमिका के रूप में, उसके बाद इस गीत को संपन्न करता हूँ। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार, अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, क्या बात, अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अगर ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश हुकूमतों के अगर कानों के पर्दों तक आवाज पहुंचानी पड़ती है तो किसी न किसी भगत सिंह को असेंबली में बम फोड़ना पड़ता है। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। साहित्य मनीषियों के सामने पंक्ति पढ़ता हूँ। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। और अगली पंक्ति अगर ठक से लग जाए तो एक मिनट तक आपकी तालियां चाहता हूँ। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। और अंतिम दो पंक्तियों और अपनी जगह लेता हूँ, प्रेम के साथ मुझे विदा करिएगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, बहुत छोटी सी पंक्ति है, मासूम सी पंक्ति, लेकिन प्रेम के साथ मुझे विदा करिएगा। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया मिल रही हर हार ने। जीतना हमको सिखाया मिल रही हर हार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने।
हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार।